तो हम शुरू किया है हमने किंगडम प्लांटी। तो प्लांटी में सबसे पहले एल्गी आई, एल्गी पानी में रही, इसलिए उसको वेस्कुलर टिश्यूज की जरूरत नहीं थी, क्यूटिकल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रांसपीरेशन नहीं होती। देन एल्गी दे स्टार्टेड कमिंग ऑन लैंड, हैबिटाइजिंग लैंड। देन ऑन लैंड दे गेट मॉडिफाइड टू ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स, बट क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि हमें वेस्कुलर टिश्यूज चाहिए, तो इनके पास वेस्कुलर सप्लाई नहीं है, क्यूटिकल नहीं है। अब क्यूटिकल नहीं है तो ट्रांसपीरेशन भी हो रही है, इसलिए वो कहाँ ग्रो करने शुरू कर दिए, मोएस्ट एंड शेडी प्लेसेस में, रॉक्स के नीचे वाली तरफ जहां पर शेड भी है और रॉक्स पे से थोड़ा 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 पानी भी उन्हें मिल रहा है। तो देन दे आर ग्रीगेरियस, ग्रो इन ग्रुप्स सो दैट लेस सरफेस एरिया इज एक्सपोज्ड एंड दस लेस ट्रांसपीरेशन। सरफेस एरिया कम है और ट्रांसपीरेशन इसलिए कम हो ताकि वो मैक्सिमम अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। बट यहां पे क्या आ गया, एक नया फीचर आया है, वेल डेवलप्ड मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो और एम्ब्रियो फिर आगे प्लांट बनाता है। सो दीज आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, सबसे पहले इनमें एम्ब्रियो बना, राइट। अब धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स को, कुछ ब्रायोफाइट्स को, सभी को नहीं, कुछ ब्रायोफाइट्स थोड़े से समझदार है, वो कहते क्यों ना हम अब लिमिटेड ही रह गए। पहले पानी में लिमिटेड थे, अब हम हैबिटेट में लिमिटेड रह गए कि मॉइस्ट एंड शेडी, ऊपर से ग्रुप्स में ग्रो करो, क्यों ना, हमें क्या प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम है कि हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है और क्यूटिकल नहीं है, क्यों ना हम इसको डेवलप करें, राइट। तो इन्होंने फिर कुछ ब्रायोफाइट्स में, अगेन सम ब्रायोफाइट्स ने वेस्कुलर टिश्यूज बनाए, क्यूटिकल बनाया और ये इवॉल्व कर गए पेरिडोफाइट्स में। और इसका मेजर ग्रुप है फॉर्म्स, ठीक है जी। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द फर्स्ट वेस्कुलराइज्ड लैंड प्लांट्स। मतलब वेस्कुलर टिश्यूज आ गया, फिर क्यूटिकल प्रेजेंट, दे गेट डाइवर्सिफाइड, अलग अलग जगह पर ये जाकर रहने शुरू करते, ठीक है, ट्रांसपीरेशन कम होगी, ठीक है। इसमें भी दीज आर हैव जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स, जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो। तो मेन इसमें क्या आ गया, वेस्कुलर सप्लाई ना, और भी कई चीजें हैं बट ये मैं मेन मेन बता रही हूँ, ठीक है जी। अब इसमें क्या आया है कि अब जो एम्ब्रियो है वो कवर्ड नहीं है, एम्ब्रियो ने सीधा क्या बना दिया, प्लांट बना दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या पता चल रहा है, इनको लगता है हम और जगह फैले, बट क्या करें, अब हमारे पास जो स्पोर्स है ना, या एम्ब्रियो है, वो जगह जगह जा ही नहीं सकता, कमजोर है बेचारा, अगर इधर उधर जाएगा तो एनवायरमेंट के स्ट्रेसेस से मर जाएगा। कितना अच्छा हो अगर हमारे एम्ब्रियो के पास एक कवरिंग हो जाए, जिसकी वजह से देन द एम्ब्रियो विल बी डिस्पर्स्ड टू मेनी प्लेसेस। और जब एम्ब्रियो के पास कवरिंग होगी तो उन्होंने क्या बना दिया, सीड बना दिया, ठीक
ठीक है। अब क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी मतलब एक जनरल सी बात है, मैं उसी हिसाब से इनको समझा रही हूँ कि जब हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आता है ना, बच्चा पैदा होता है बॉर्न, तो है उसके साथ रात को जागो, हमें लगता है कितनी मुश्किल है, रात को नींद ही पूरी नहीं होती, ये कब बड़ा होगा है ना, थोड़ा थोड़ा ये कब चलना शुरू करेगा, थोड़ा सा चले तो हमें मुश्किल ना हो है ना। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, चलना शुरू करता है, तो फिर बच्चे को होता है मैं इधर भागू ऐसे करूँ वैसे करूँ, तब भी पेरेंट्स जो है ना उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, भाई ये बैठता ही नहीं है ना, क्या है क्या नहीं, ये बोलना कब शुरू करेगा, बताना कब शुरू करेगा। और जब फिर है ना मम्मी पापा, बेटा बोल मम्मी बोल पापा है ना, और जब फिर बोलना शुरू करता है तो कितना बोलता है, तब भी हम मुश्किल में, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ये स्कूल जाए ना हमें थोड़ी सी राहत मिले, 3-4 घंटे स्कूल जाके आएगा ना तो शांति मिले, जब बच्चा स्कूल गया फिर हमें उसकी स्टडीज की टेंशन की है, पढ़ता ही नहीं है, हाँ ये नहीं होता, हाँ ये नहीं होता, स्कूल में खा के कुछ नहीं आता, कितना शैबी सा बन के आता है। तो इसलिए हर जगह डिससेटिस्फेक्शन है, आई वॉन्ट टू से दैट, ठीक है ना। अब ये पढ़ जाए बस कुछ कर जाए, अब समरी पवन जोत और जोरावर डॉक्टर्स बन जाए, बस हमारी जान नहीं छूटे, डॉक्टर्स बन गए तो हाय हाय, अब इनकी शादी हो जाए ना तब बहुत अच्छा है, कोई अच्छा लड़का मिले कोई अच्छी लड़की मिले, फिर बच्चे हो जाए फिर ये फिर वो ही साइकिल है ना। तो सेटिस्फेक्शन कहिए यहाँ पर भी वही चीज है, पहले उन्होंने लैंड पे आए, लैंड पे उन्हें पता चला हाय हाय बड़ी मुसीबत है, पानी ही नहीं है, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है, क्यूटिकल नहीं है, फिर उन्होंने ये डेवलप किया। अब जाइगोट जो था वो तो बहुत जल्दी मर जाता था एल्गी में, तो जाइगोट ने जब एम्ब्रियो बनाया तो एम्ब्रियो की लाइफ स्पैन बढ़ गई। बट अब वो ये कहते हैं कि हम एक ही जगह पर क्यों रहे, हम डिफरेंट जगह पर क्यों ना जाए, बट हमारा एम्ब्रियो जो है अगर एक से दूसरी जगह जाता है तो वो मर जाता है, अब हम क्या करें कैसे अपने एम्ब्रियो को बचाए। तो फिर इन्होंने क्या बनाया, फिर ये इवॉल्व हुए इसमें जिम्नोस्पर्म्स में, फर्स्ट सीड बियरिंग वेस्कुलराइज्ड लैंड प्लांट्स। ये सबसे पहले प्लांट्स थे जिन्होंने सीड्स बनाए, सीड्स आर द एम्ब्रियो कवर्ड बाय सीड कोट्स, ठीक है। पहले प्लांट्स थे जिन्होंने सीड्स बनाए। दूसरी बात, फर्स्ट प्लांट्स टू हैव वुडी टिश्यूज, अभी तक जो ये फॉर्न्स थी वो हर्बेशियस प्लांट्स थी जिसमें वुडी टिश्यू बार्क वगैरह नहीं थी, जिम्नोस्पर्म्स पहले प्लांट्स आए जिनमें बार्क आई, वुडी टिश्यूज, राइट। और फिर और थोड़ी सी, अगर सीड्स भी बच जाएं तो हमारे लिए और अच्छा हो, तो एंजियोस्पर्म्स, फर्स्ट प्लांट्स इन विच सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट्स या फ्रूट वॉल, ठीक है। अभी तक फ्रूट को कवर करने वाला कोई प्लांट नहीं है, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस्ड प्लांट्स है। दीज आर द ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। बाकी तो सब चीजें है ही है, धीरे धीरे वुडी टिश्यू भी है, वेस्कुलर टिश्यू भी है, वो सब तो है, बट ये सिर्फ
यही प्लांट्स है जो फ्लावर्स बनाते हैं। तो हम ये पूछते हैं कि क्या सभी प्लांट्स फ्लावर्स बनाते हैं? नहीं, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स है जो फ्लावर्स बनाते। इज इट ओके? ठीक है, तो आप पहले ये नोट करोगे और फिर आगे जाओ। तो पहले हम कुछ टर्म्स करेंगे इसमें। एक टर्म होती है थैलोइड। थैलोइड का मतलब है थैलोइड प्लांट बॉडी। थैलोइड प्लांट बॉडी का मतलब इट इज गैमेटोफिटिक, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaves. Haloid plant body, जैसे अगर हम कह दें कि ये अगर एल्गी है या कोई भी प्लांट बॉडी है ना, कोई रूट स्टेम लीव्स नहीं है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स राइजोइड्स बोलते हैं उससे अटैच्ड है, तो और ये गैमेटोफाइट है क्योंकि ये गैमेट्स बनाती है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट का क्या मतलब है? द प्लांट बॉडी और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट which form gametes is called as gametophyte. उसके बाद एक टर्म होती है बेटा स्पोरोफाइट। द प्लांट बॉडी विच फॉर्म स्पोर्स, अभी हम जब करेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी, दैट इज स्पोरोफाइट। देन देयर इज ट्रेकियोफाइट्स, वेस्कुलराइज्ड प्लांट्स। वेस्कुलराइज्ड मतलब जिसमें जाइलम है, फ्लोइंग है। एट्रेकियोफाइट्स, ए का मतलब नॉन वेस्कुलराइज प्लांट जिसमें जाइलम एंड फ्लोइंग नहीं है। स्पर्मेटोफाइट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स। Non-spermatophytes, which do not form seeds. Spermatophytes को हम phanerogams भी कह देते हैं, and non-spermatophytes को हम cryptogams भी कहते हैं। Then there is another term आ जाती है, yes, homospory, when plant form only one type of spores.
उसके बाद है हेटरोस्पोरी, व्हेन प्लांट फॉर्म टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, स्मॉल साइज्ड माइक्रोस्पोर्स लार्ज साइज्ड मेगास्पोर्स। ये कुछ टर्म्स है, बट ये टर्म्स अभी लिखने से पहले एक काम करो, पहले मैं आपको दिखाती हूं कि भाई ये प्लांट्स कैसे होते हैं। एक मिनट, ये देखिए बेटा, दिख रहा है आपको सबको? कैन यू सी? ये है बेटा, ये है मॉसेस, ठीक है। देखो रॉक्स पे लग रही है, दीज आर मॉसेस। आपको लगता है घास टाइप सी है, बट ये ग्रास टाइप नहीं है, ये है मॉसेस। और ये अगर इसको बहुत क्लोजली देखोगे तो आपको रिप्रोडक्टिव सीजन में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी इसके ऊपर नजर आएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, ये देखो, ये ना वॉल्स पे, अगर आप जाओ कहीं पहाड़ी इलाकों में जाओ तो ये वॉल्स पे लगी मिलती है। दिस दीज आर मॉसेस, सॉफ्ट सी, शाइनी सी, ऐसे मिलती है। ओके, देन दीज आर फॉन्स। ये तो आपके घरों में भी लगी हुई है, यस और नो? गमलों में भी लगती है कि नहीं? दीज आर फॉन्स। हां जी समरी, जल्दी से मुझे यस नो में आंसर दिया करो बेटा। पवन जोत? यस। चलिए जी, ये देखिए, ये सब ये गमलों में लगी हुई है, दीज आर फॉन्स, ठीक है, जिसके ऐसे ऐसे लीव्स नजर आते हैं। ये देखो फॉन्स का ये लीफ है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, ये देखिए पाइन्स। देखिए आपने पहाड़ों पे गए हैं, है ना, पाइन्स, पाइनस, चीड़ के, हाँ चीड़ के जो पेड़ होते हैं, दीज आर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ऐसे निडल लाइक जो है, ऐसे निडल लाइक लीव्स है, आपको ऐसे नजर आते हैं, ठीक है, दीज आर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ये है, ये छोटा सा जिम्नोस्पर्म है, पाइनस ही है बट छोटा सा जिम्नोस्पर्म। ओके, पता चला बेटा कैसे है प्लांट्स ये? यस मैम। ठीक है, एल्गी मैं अभी तुम्हें धीरे धीरे करके सारी दिखाऊंगी कि कैसी कैसी एल्गी, राइट? करो ये, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हेलोफाइटा, दो ग्रुप्स है, हेलोफाइटा एंड दूसरा है एम्ब्रियोफाइट। हेलोफाइटा में का क्या मतलब है? हेलोइड प्लांट बॉडी। जाइगोट डायरेक्टली फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म एज नो एम्ब्रियो इज फॉर्म।
सेक्स ऑर्गन्स आइदर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट आर नॉन जैकेटेड, उनके आसपास कोई जैकेट नहीं है कोई इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन दे आर नॉन वेस्कुलराइज्ड, एंड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो प्लांट बॉडी है वो क्या बनाती है, गैमेट्स बनाती है, स्पोर्स नहीं बनाती, दैट्स व्हाई इट इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, सो इट फॉर्म्स ओनली गैमेट्स, राइट। और इसमें क्या आ जाता है, इट इंक्लूड्स डिवीजन एल्गी, उसके बाद है एम्ब्रियोफाइट। एम्ब्रियोफाइटा में प्लांट बॉडी आइदर थैलोइड और लीफी, दोनों टाइप की हो सकती है। देन यहां पे मेन क्या है, सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो एंड देन एम्ब्रियो फॉर्म प्लांट, ठीक है जी। एम्ब्रियोफाइट्स के आगे दो ग्रुप्स है, ट्रेकियोफाइट्स, या पहले हम कहेंगे ए ट्रेकियोफाइट्स, ए ट्रेकियोफाइटा एंड ट्रेकियोफाइटा। ए ट्रेकियोफाइटा आपको पता है कि नॉन वेस्कुलराइज्ड, गैमेटोफाइट डोमिनेंट, और यहां पे आ जाता है डिवीजन ब्रायोफाइट। ट्रेकियोफाइट्स का मतलब है वेस्कुलराइज्ड प्लांट्स, दो टाइप के हैं, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स एंड स्पर्मेटोफाइट्स। आपने पूरा लिखा, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स में आ जाएंगे डिवीजन पेरिडोफाइट्स, और स्पर्मेटोफाइट्स में आ जाएंगे डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म्स। और यहां पे बेटा एक और पॉइंट लिखना है, ये मैं ऊपर करके लिख रही हूं कि यहां पे ट्रेकियोफाइटा में क्या है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट, तो हमारे पास पांच डिवीजन्स है, डिवीजन एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। दीज आर द फाइव डिवीजन्स ऑफ किंगडम प्लांट। ओके, लिखो फिर जल्दी से।
चलिए जी अब लिखते चलो। तो हैबिटेट क्या है? एल्गी जो है मेनली एक्वेटिक, दिस इज मेनली एक्वेटिक। ब्रायोफाइट्स फास्ट लैंड प्लांट्स, लिव इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। पेरिडोफाइट्स फर्स्ट वेस्कुलराइज्ड लैंड प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स लैंड प्लांट्स, विच ग्रो ऑन स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स मेनली। एंजियोस्पर्म्स लैंड प्लांट्स, एक्सेप्शंस हर एक की है बट मेनली एंजियोस्पर्म वो तो हर जगह मिलते, ठीक है जी। सेकेंड आ जाइए, आई होप साथ साथ आप मेरे लिख रहे हैं। सेकेंड आ जाइए प्लांट बॉडी, इट इज गैमेटोफिटिक एंड हैलोइड। ब्रायोफाइट्स गैमेटोफिटिक, स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड बट पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। पैरासिटिक मतलब उसी के साथ अटैच्ड। पेरिडोफाइट्स में सेपरेट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी अलग अलग है बेटा। गैमेटोफाइट अलग है, स्पोरोफाइट अलग है, बट स्पोरोफाइट पूरा लिखना है इज more developed and dominant. Gametophyte reduced. और इन दोनों में आपने अलग अलग करके लिखना है, मैं एक तरह से लिख रही हूं। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड एंड पैरासिटिक ऑन स्पोरोफाइट। मैम हाँ जी मैम, इन दोनों में सब कुछ सेम ही होता है? काफी कुछ सेम होता है, मैक्सिमम चीजें सेम है बट बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी है, बताऊंगी मैं आप सब। ठीक है जी,
नेक्स्ट आ जाता है बेटा वेस्कुलर टिश्यूज, एब्सेंट एब्सेंट, यहां पे प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है जी, देन सेक्स ऑर्गन्स, नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन्स, एल्गी में जनरली हम कहेंगे एब्सेंट, एब्सेंट और नॉन जैकेटेड। यहां पे जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट, यहां पे भी प्रेजेंट, यहां पे भी प्रेजेंट, यहां पर भी प्रेजेंट। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स आपने यहां लिखना है, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एम्ब्रियो, नेक्स्ट पॉइंट इज एम्ब्रियो, एल्गी में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। Woody tissues, absent, 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 present, present. नेक्स्ट है सेक्सुअल स्पोर्स, एब्सेंट, यहां पे है होमोस्पोरस, ये मैंने टर्म आपको बताई है, और स्पोर्स सिमिलर होमोस्पोरस, and these two heterosporous, और ये भी heterosporous। seeds absent 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 present present। Flowers and fruits, absent, 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 present only in angiosperms. So these are the differences in
various groups, various divisions of kingdom plant. हाँ जी बेटा डन, रब कर दूं मैं ये सारा। चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डिवीजन एन की। अगर हम वही पहले हैबिटेट देखें तो मैंने बताया एक्वेटिक तो है ही है, बट दे कैन बी फ्रेश वाटर और दे कैन बी मैरी। फ्रेश वाटर एग्जाम्पल आ जाता है, अभी मैं ये डायग्राम्स बना के दिखाऊंगी आपको, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास स्पायरोगायरा एटसेट्रा। मैरीन में आ जाती है बेटा ब्राउन एंड रेड एंड थ्री टाइप्स की एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो मरीन में मेनली ब्राउन एंड रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी जो है मेनली फ्रेश वाटर है बट कुछ मरीन भी, ठीक है, और कुछ पैरासिटिक एल्गी भी है सच एज सफेल्यूरोस इट कॉजेस रेड रस्ट ऑफ टी, टी कॉफी एंड टोबैको। अनदर इज हार्वियला, it is parasitic on large red algae. Another is secular habit, ki kaisa structure hai, it can be, pehle dhyan se suno, it can be unicellular or it can be multicellular. Unicellular singly occurring or colonial. Jo multicellular hai, it can be filamentous or it can be leaf like. ठीक है, पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको इनकी examples और diagrams भी बताती हूँ। चलिए जी, मैं आप ये singly occurring example है क्लेमाइडोमोनास, इस तरह से पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है
दो इसके फ्लैजेला होते हैं। बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हो कि इट हैज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। इस कैविटी में इसका न्यूक्लियस है। यहां पर क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहता है तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा एक ये यूनिक सी चीज होती है सभी एल्गी में, पिरिनोइड विच स्टोर स्टार्च। दिस इज पिरिनोइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यू नो क्लेमाइडोमोनास। फ्लैजेला सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल न्यूक्लियस कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पिरिनोइड। और यहां पे बेटा आई स्पॉट। तो यहां पे सिंगली अकरिंग दिस इज क्लेमाइडोमोनास। कोलोनियल कोलोनियल की एग्जांपल आ जाती है क्लोरेला। इस तरह से नॉन मोटाइल सेल्स है, कोई फ्लैजेला नहीं है। दिस इज क्लोरेला। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद आ जाता है बेटा फिलामेंटस। और ये फिलामेंटस दिस इज स्पायरोगैरा हैविंग स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिरिनोइड्स है। पिरिनोइड स्टोर स्टार्च। दिस इज पिरिनोइड। हर सेल में एक न्यूक्लियस है। दिस इज न्यूक्लियस। और ये बाहर सेल वॉल है और इसके बाहर एक स्टिकी सी म्यूसिलेज शीट है। दिस इज म्यूसिलेज। ये क्या है? दिस इज स्पायरोगैरा। ठीक है, तो सबसे बाहर म्यूसिलेज, फिर है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, पिरिनोइड।
दिस इज स्पायरोगाय। उसके बाद लीफ लाइक, ये स्ट्रक्चर है ब्राउन एल्गी का, इसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट स्टाइप, और ये फ्रॉन्ड, दिस इज ब्राउन एल्गी, ठीक है, एंड दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ यूनिसेलुलर सिंगली अकरिंग है सच एस क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर कोलोनियल सच एस क्लोरेला, क्लोरेला भी है, और एक और आ जाता है बेटा वॉल्वॉक्स, बट वॉल्वॉक्स फॉर्म वो चाइल्ड कॉलोनी, सो इट फॉर्म्स मोटाइल कॉलोनी वॉल्वॉक्स, जिसको हम रोलिंग एल्गा भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कॉलोनी रोल करती है, मूव करती है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो स्ट्रक्चर्स ऑफ द एल्गी, राइट। तो ये बनाओ जरा जल्दी से, दिस इज ऑल फॉर टुडे, है ना। नेक्स्ट टाइम हम जो है इनसे आगे करेंगे और एल्गी के बारे में करेंगे, ठीक है जी, ओके बेटा, बाय।